जब तक हम पर्यावरण को सेव नहीं करेंगे तब तक इस पूरे पृथ्वी को जो है सुंदर नहीं बना सकते। हम अगर शुरू से ही अपने बच्चों में यह ज्ञान डालते जाएंगे तो आगे हमारा भविष्य काफी सफल और सुरक्षित है। जल जीवन के साथ एक जुड़ाव हो रहा है। जल में तो अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि पेड़ होना चाहिए। साथियों हम शिक्षकों से बात करेंगे। राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय टड़वा में पीरपैंती में उपस्थित हैं ये शिक्षक हैं यहीं के। इनसे पूछेंगे, सर परिचय देते हुए ये बताइए कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है और चुल्लू भर कार्यक्रम को जो रखा गया है यहाँ पर ये किस उद्देश्य से? ये संजीवनी गंगा के तरफ से चुल्लू भर पानी जो कार्यक्रम रखा गया है जी, इसमें पेड़ संरक्षण और जल संरक्षण पर मुख्य फोकस है इसका जी, और दोनों चीज बचाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है, तभी जीवन संभव है। हाँ, नहीं तो अन्यथा दिन प्रतिदिन जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। अभी तक में आपने कितने पेड़ लगा चुके हैं? जगह के हिसाब से 4-5 तो जरूर लगाए हैं, बस ज्यादा नहीं लगा। आपका नाम सर? विजय चंद्र भारती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि समय का अभाव है आप लोग ज्यादा समय देना नहीं चाहेंगे क्योंकि 15 मिनट तक का वीडियो काफी लंबा हो जाता है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी शिक्षक आ जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेमलता स्वदेशी मध्य विद्यालय टड़वा में आपका स्वागत करती हूं और आज मोहम्मद अयाज सर के द्वारा संजीवनी गंगा के द्वारा जो है संजीवनी गंगा के प्रयास से ऐसा देखा गया है कि सर ने जो अटैक किया है बच्चों पर बिल्कुल ऐसा जो बच्चे होते हैं जड़ होते हैं, बच्चों के चित्रांकन प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों के जरिए जड़ को ही उन्होंने सींचा है। बच्चों के द्वारा उन्होंने जंगल ग्रुप और गंगा ग्रुप दो भाग में बांटा ताकि बच्चे अपने बचपन से ही अपने भविष्य को संजोने के प्रति बिल्कुल जागृत हो जाएं। और गंगा ग्रुप के अंतर्गत जो है जल संरक्षण की योजना थी और जंगल ग्रुप के अंतर्गत पेड़ पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए और इसके प्रति जो हम लोगों को जागरूक होना भी चाहिए, बच्चों को नहीं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए उसके अपने लायक जो है जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होती है और आप दुनिया के लिए नहीं अपने जीने के लिए अपने स्वार्थ के लिए कम से कम पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। संसार का भला होगा, अपना भला होगा, जल है तो कल है और पेड़ है तो हमारा जीवन समृद्ध है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए और एक शिक्षिका है, आप क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण के बारे में? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं अंशु कुमारी हूं और मैं बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह देख करके मैं मोहम्मद अयाज सर के बहुत बड़ी आभार प्रकट करती हूं कि इस तरह का योजना स्कूल में लेकर के आए और बच्चों में ये उमंग जगाए कि किस तरह से हमारा पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ते जा रहा है उस बच्चों में जो अभी से ये जो प्रेरणा की भाव जगा रहे हैं उससे बहुत ही बच्चों में आगे चल करके भविष्य को सुधारने का मौका मिलेगा और सचमुच में हमारा पर्यावरण और जल ही है जो कि हमें बचाए रखता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप छोटे होते तो काश ऐसा कार्यक्रम कराया जाता है स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये हमारे समय में होता तो शायद बहुत ही अच्छा होता और इस तरह का कार्यक्रम कराने से सचमुच में बच्चों में बहुत ही उमंग की भावना बढ़ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस संस्था के बारे में? मैं पुरंदर कुमार यादव मेरा नाम है और मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और गंगा संजीवनी के जो बारे में कहना चाहता हूँ कि हम लोग पेड़ पौधे के लिए पहले लोग अब जागरूक हो रहे हैं इसलिए कि हमारे अनेक तरह की बीमारी, अनेक तरह की ऑक्सीजन की जो समस्या आ रही है जिसके कारण हम लोग जो है अब हमारी ये संजीवनी गंगा के तहत हम लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए बच्चों को मतलब जागृत करते हैं। ये अच्छी संस्था है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारे फ्रेम में जो देख रहे हैं हटे कटे लंबे चौड़े ये यहाँ के प्रधानाचार्य हैं और इन्हीं के वजह से ये सब हो पाया है और किस तरीके से ये मैनेज करते हैं स्कूल को, किस तरीके से बना के रखे हैं। ये गार्डन भी है, हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। अगर बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़े तो वो प्लस टू करके निकलेंगे इस स्कूल से। सर आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैनेज कैसे करते हैं ये परिचय देते हुए बताइए। मैनेज करने का यह है कि हमारा स्कूल जो है समय के कुछ पहले ही खुल जाता है जी। और समय के बाद ही, समय तक तो रहता ही है, बाद तक भी जब सब काम संपन्न नहीं हो जाता है तब तक खुला ही रहता है। साथ ही साथ मैनेज करने का यह है कि रूटीन के अनुसार सभी शिक्षक शिक्षिकाएं काम करते हैं जी। इसके बाद रूटीन के अनुसार जो है समय पर भोजन बच्चे को दिया जाता है, जिन बच्चों को भोजन मिलता है
साप्ताहिक मेन्यू के हिसाब से? साप्ताहिक मेन्यू में जरा भी कटौती नहीं होती है। आज हम बात करने वाले हैं संजीवनी गंगा के बारे में, अयाज सर के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? अयाज सर जो है हमेशा आते जाते रहते हैं और हमारे विद्यालय में बहुत सा पेड़ पौधे भी लगाए हैं, कुछ जीवित है कुछ मर भी गए हैं, हैं लेकिन फिर भी हमेशा प्रयास करते रहते हैं, इसलिए उसका तो आभारी हम हैं। साथ ही साथ कि इस तरह का कार्यक्रम जो पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जल और वन दोनों जो है, इससे दोनों से जो है पर्यावरण संतुलित होता है, इसके लिए तो आभारी हमको होना ही है। आज के कार्यक्रम चुल्लू भर पानी के बारे में बताइए सर, बच्चे सबको जो सम्मानित किए गए वो बच्चे कहाँ तक जाएंगे? आज जो है कि इन्होंने जो बताया कि चुल्लू भर पानी जो है कि हमको जमा करके उसको उसका संरक्षित करना चाहिए। कैसे हमको संरक्षित करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए जिससे कि हमारे भविष्य में जो है उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो, भविष्य में कभी कमी नहीं हो, इसके बारे में बताया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अब यहाँ के संजीवनी गंगा के महानायक से बात करने वाले हैं, आखिर संजीवनी गंगा को इन्होंने कैसे तैयार किया और आज चुल्लू भर पानी को प्रत्येक स्कूल में पहुंचा रहे हैं, हर घर में पहुंचा रहे हैं। सर आप ये बताइए कि संजीवनी गंगा आपके दिमाग में आया कहाँ से? सबसे पहले हम आपका और आपके चैनल केवल भारत टीवी समाचार का बहुत बहुत जो है आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। संजीवनी गंगा संस्था बिहार सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 11 सितंबर 2015 को जी, और इस रजिस्ट्रेशन कराने का उद्देश्य था कि हम सरकार के साथ मिल करके काम करें, सरकार की जो पॉलिसी है जी, तो ऐसी कोई पॉलिसी जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में हो तो उसके बदलाव के लिए भी हम काम करेंगे। और सबसे दूसरा था कि जैसा ये नाम है संजीवनी गंगा, तो संजीवनी जो है पेड़ पौधे से रिलेटेड है और गंगा जो है जल से रिलेटेड है जी। तो जैसा नाम से मालूम है कि यह संस्था पेड़ पौधे जल को लेकर के बचाने के लिए काम करती है और इस क्षेत्र में जो भी कमियां हैं या जो होंगी तो संजीवनी गंगा उनको संजीवनी देने का काम करेगी। उसी के निमित्त पीरपैंती प्रखंड में चुल्लू भर पानी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जी। उसमें हम लोगों ने सारे स्कूल्स को सिलेक्ट किए हैं, वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं जी। और बच्चों को चित्रकला के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे छोटे लेवल पर वाटर को सेव कर सकते हैं। उसको लेकर कम से कम 100 स्कूल में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है जी। और जिसके प्रथम चरण में 12 विद्यालय के 300 बच्चे शामिल हो गए हैं और प्रथम चरण के समाप्ति के बाद जंगल ग्रुप और गंगा ग्रुप से हर टॉप 5 स्टूडेंट्स को हम लोग स्कूल स्तर पे सम्मानित कर रहे हैं जी। और जो बच्चे टॉप आए हैं अपने वर्ग से वो नॉमिनेट हो रहे हैं फाइनल राउंड के लिए। खास करके इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण देश में लागू होना चाहिए और पीरपैंती के ऐसे ऐसे हेडमास्टर को सलाम है और जो कि इस संस्था को अपने स्कूल में लाकर बच्चियों को बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के प्रति। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम दर्शकों को, क्योंकि समय का भी अभाव है सर और ये धूप भी है, काफी धूप है। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं विद्यालय परिवार के कि अभी आप देख रहे हैं ना कि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस भीषण गर्मी में सारे शिक्षक जितना पार्टिसिपेट किए, जितना एनर्जेटिक है अपने बच्चों को लेकर के और खास करके एनवायरमेंट को लेकर के कि बच्चे आएंगे तो फ्यूचर को सेव करेंगे। ये जो हमारा वर्तमान में जनरेशन है वो आने वाले जनरेशन के लिए एनवायरमेंट को सेव करना चाहता है। तो जैसा एक प्रेमलता जी ने कहा था कि बच्चों के जड़ों को सींचने का काम कर रही है संजीवनी गंगा, तो हम सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, विद्यालय परिवार के आभारी हैं कि आप इसी तरह से पर्यावरण को बचाएं और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। जाते जाते सर एक सवाल, यहाँ के नहीं सर, जहाँ से भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन स्कूल वाले को क्या कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? देखिए मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में आज तक किसी ने ना कहा ही नहीं है जी, ये मेरा ही सौभाग्य कहिए जी बिल्कुल। और मैं सारे जो आज तक जितने भी स्कूल में गया हूँ जी बिल्कुल, तमाम शिक्षकों ने, वहाँ के प्रधानाचार्य ने मेरे इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया है। फ्यूचर में क्या सरकमस्टेंसेस बनेगी ये आई डोंट नो, बट मैं आशान्वित हूँ कि बेहतर होगा। और अगर जो शिक्षक नकारात्मक होते हैं तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूँगा कि दुनिया की
तमाम चीजें एक तरफ है और पर्यावरण एक तरफ है। जब तक हम पर्यावरण को सेव नहीं करेंगे तब तक इस पूरे पृथ्वी को जो है सुंदर नहीं बना सकेंगे। तो पूरी पृथ्वी माता का जितना कर्ज है जी। तो हमें चाहिए कि समय रहते हमें अपने पृथ्वी माता का जो सौंदर्य है, जो उनकी सौंदर्यता है, उनको वापस कर देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना कीमती वक्त देने के लिए। बाकी हमारे दर्शक जहाँ से भी देख रहे हैं अलग से इनका साक्षात्कार देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि समय का अभाव है। और भी शिक्षिका हैं और प्रतिनिधि भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए मैडम आप आ जाइए, पर्यावरण के बारे में दो शब्द रख लीजिए आज के कार्यक्रम को देखते हुए। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। सबसे पहले तो मैं इस संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगी। इनके द्वारा जो भी यह प्रयास किया जा रहा है वह काफ़ी सराहनीय है। इनका जो शीर्षक है चुल्लू भर पानी, ये अपने आप में ही आकर्षित सबको करता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे चुल्लू भर पानी अगर सारे लोग मिलकर अगर जमा करें तो काफ़ी सागर भरा जा सकता है। जल जैसा कि हम सभी जानते हैं एक प्राकृतिक संसाधन है और सभी को प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक है। जल के बिना मानव का जो जीवन है वो संभव नहीं है। ऐसे तो पृथ्वी पे 70% जल ही है लेकिन वो पीने योग्य या मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। और जो ये जल पीने योग्य है उसका संरक्षण अति आवश्यक है। अगर हम जंगल का संरक्षण करेंगे तो पानी अपने आप संरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जंगल ही बारिश के पानी को रोकती है और वही जो पानी पृथ्वी के अंदर जाती है वो हमारे पीने योग्य काम आती है या सिंचाई की है। इसलिए यह काफ़ी आवश्यक है, खासकर जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है और उनको यह समझाना अति आवश्यक है कि जिस तरह भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने के लिए हम लोग तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं और जंगल और सारे पानी को दूषित करते जा रहे हैं, तो हमें यह प्राकृतिक संसाधन वापस नहीं मिल सकता है क्योंकि यह मानव निर्मित नहीं होता है। इसीलिए इसका संरक्षण काफ़ी आवश्यक है। तो ये हम अगर शुरू से ही अपने बच्चों में या अगर यह ज्ञान डालते जाएंगे तो आगे हमारा भविष्य काफ़ी सफल और सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं नीतू कुमारी, जल संरक्षण संजीवनी के बारे में बहुत धन्यवाद करूं। इसके माध्यम से गांव शहर जल जीवन के लिए साक्षरी जागरूकता फैला रही है। बच्चे में एक नया एक्टिविटी के साथ वह इनमें जुड़ रहे हैं, जल जीवन के साथ एक जुड़ाव हो रहा है एक दूसरे के। और ये हम कहना चाहते हैं कि यहीं से शुरू होता, बच्चे आने वाले भविष्य है, जब हम आने वाली पीढ़ी को ही दे रहे हैं। हम मेरा कहना है कि हर व्यक्ति को दो वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। आपने अभी तक मैडम कितना वृक्ष लगाया? हाँ, दो तीन तो लगाए ही हैं। बस दो तीन? हाँ, अभी तो बच्चे लगाए थे दो तीन। हाँ, हम कहते हैं दो, कम से कम एक व्यक्ति को दो ही लगा देते आने वाले पीढ़ी के लिए, वो उपहार के लिए काम आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आइए और कुछ कहना चाहिए? हाँ, जैसे व्यक्ति बैंक में बैलेंस करके रखते हैं वो क्या बात है, वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन हम व्यक्ति के लिए वो बैलेंस ना करके दो वृक्ष हम लगा देते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए वह वरदान साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम चुल्लू भर पानी कार्यक्रम के बारे में? सर, मेरा नाम कुंदन भारती है जी, और हम यही मध्य विद्यालय टरवा में कार्यरत हूँ सहायक शिक्षक। हाँ, और मैं ये संजीवनी गंगा के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है पेड़ लगाने का काम, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन तो पहले बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय में ऑक्सीजन के लिए आदमी कितना भटक रहा था। और पेड़ तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमें जीने के लिए तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जी, आप लोग जितना भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो सार्थक है और सच में विश्वसनीय है, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का वो सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है। बाकी स्कूल में जाने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता है, चाहे भाषण लाख दे दे वो विश्वास नहीं, हजम नहीं होता है उसका, वो माहौल देख के। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे विद्यालय में तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि पेड़ होना चाहिए और है भी, जहाँ तक है पेड़ लगाना भी चाहिए। हम लोग कोशिश भी करते हैं कि अपने बगीचे सब में भी पेड़ लगाएं और लगाए भी हैं, तो पेड़ तो बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। बाकी आप इस खबर को जहाँ से भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये संजीवनी गंगा एक नेक कार्य कर रही है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इनसे सीखे। बाकी इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।